नमस्कार, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कन्या लग्न तक का विवरण आपको मिल गया है, तुला लग्न के लिए बात करेंगे। उसके पहले एक चीज आप लोग स्पष्ट जानिए, जब किसी भी लग्न के लिए मारक ग्रह का विवेचन हम लोग करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं आपको निकालना है कि जो ग्रह मारक आया है वो आपको जीवन में कुछ देगा नहीं, तरक्की नहीं देगा। मारक का मतलब आप ये मत समझिए ये आपका सब कुछ खराब कर दिया, उसको वो पद मिला है, दंडाधीश है तो वो दंड देगा, लेकिन वो हमेशा दंड देगा। जैसे न्यायाधीश है तो हमेशा फांसी ही थोड़े देता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। देखिए, मारक ग्रह का गलत इंटरप्रिटेशन सब कुछ लोग जान लिए कि ये मारक है तो बस इसका मतलब काम गलत करना ही है, अशुभ फल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर वीडियो में बार बार बताता हूँ, ग्रह का फल उसके कितना शुभ स्थिति में है, कितना पीड़ित स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। कारक ग्रह भी आपको अच्छा फल नहीं देगा, बर्बाद कर सकती है उसकी दशा, अंतर दशा भी, और मारक ग्रह की दशा अंतर दशा भी आपको बुलंदियों पे पहुंचा सकती है। निर्भर इस बात पर करता है कि नौ ग्रह हैं, भाव में प्लेसमेंट कैसी है, वो कितना स्वस्थ है और कितना पीड़ित है। जब मारक ग्रह पीड़ित होगा तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे देगा, कारक ग्रह पीड़ित होगा तो वो आपके शुभ फलों को घटा देगा। तो और प्रेडिक्शन करते समय आपको नक्षत्र देखने होते हैं, दशा महादशा, ऐसा नहीं है कि शनि की महादशा है, चौथे भाव का स्वामी है तो वो फल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेडिक्शन के लिए, दशाओं के लिए मैं अलग से कार्यक्रम आपको दूंगा, उसके लिए अलग कार्यक्रम है। जब आप वहाँ पे टैली कराएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई ग्रह मारक होते हुए भी किस किस चीज़ का फल दे रहा, किन मामलों में शुभ देने वाला, किन मामलों में अशुभ देने वाला है। तो वो अलग विषय है कि आप यहाँ से किसी ग्रह को मारक देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इसकी दशा तो बुरी जानी चाहिए। दशा में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा उसका अलग सिस्टम है। कुंडली में अगर मान लीजिए शनि खराब दिख रहा है तो शनि की दशा में आपको खराब फल ही मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि का देखिए, हर ग्रह का फल एक दूसरा ग्रह भी देता है। शनि नीच का है तो शनि का नीच का फल शनि स्वयं देगा कि उसका कोई दूसरा ग्रह देगा, ये नक्षत्रों से कैलकुलेट किया जाता है। दशाओं का जब कार्यक्रम समझाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। आज फिलहाल आपके सम्मुख तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न, चूंकि हमने कन्या लग्न तक कर लिया है, अब हम तुला लग्न की बात करने वाले हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। तुला लग्न उन जातकों का होता है जिनकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर की गिनती होती है, उनका तुला लग्न होता है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए तुला लग्न वाले जो जातक होते हैं वो सौंदर्य प्रिय होते हैं, आधुनिक तरीके से रहन सहन करने वाले हैं, भौतिकतावादी होते हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा पसंद होता है। तुला लग्न में चूंकि शुक्र लग्न का स्वामी है तो इसलिए पहला जो कारक ग्रह बनेगा आपका शुक्र बनता है। लग्न का स्वामी शुक्र होगा, धन भाव का स्वामी मंगल होगा तुला लग्न के लिए। तृतीय भाव का स्वामी गुरु होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि, पंचम भाव का भी स्वामी शनि होता है। गुरु छठे भाव का स्वामी होता है तुला लग्न में, मंगल सप्तम का, शुक्र पुनः अष्टम भाव का स्वामी होता है, बुध नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होगा, चंद्रमा दशम और सूर्य एकादश भाव का स्वामी होता है। अब इस कुंडली में जो कारक ग्रह हमारे होते हैं, एक तो शुक्र होता है। कारक ग्रह की जरूरत सिर्फ इसीलिए होती है कि हम राजयोग निकाल सकें कि क्या वे कहीं कुछ राजयोग बना रहे हैं। अगर कारक ग्रह अच्छी स्थिति में कुंडली में है, स्वस्थ है, राजयोग नहीं बनाएगा तो भी बहुत ज़्यादा सुख साधन जीवन में दे देगा। वहीं अगर कारक ग्रह भी पीड़ित हो तो वो भी आपको बहुत अशुभता दे देगा। मारक ग्रह शुभ स्थिति में है वो भी बहुत कुछ जीवन में देगा। यहाँ इसका पूरा नाम क्या होता है, योग कारक।
जो हम ग्रह निकालते हैं, लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, इस कुंडली में पंचम का स्वामी कौन होगा? शनि। और नवम का स्वामी कौन होगा? बुध। जो ये कारक ग्रह आते हैं, जब ये किसी से योग करते हैं केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ, तो राजयोग बनता है। देखिए, राजयोग बहुत सारी कुंडलियों में आपको मिलेंगे, हर कुंडली में मिलेगा, लेकिन विशुद्ध राजयोग जो होता है वह व्यक्ति को ऐसा जीवन देता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाएं, विपत्तियां आ जाएं, लेकिन व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति का धन और रहन सहन हमेशा मेंटेन रहता है। बहुत सारे हमारे समय में ऐसे आप देख लीजिए, समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं। वो परेशान है, कहीं थाना पुलिस कोर्ट कचहरी, कोई बड़ा मुकदमा भी है, कुछ भी फंसे हुए हैं, लेकिन उनका काम, व्यवसाय और धनागमन, लाइफ स्टैंडर्ड कुल मिलाकर के जिन चीज़ों से उनका ऊंचा बना हुआ है, उन चीज़ों पे असर नहीं पड़ता है। तो राजयोग यही एक बल प्रदान करता है। और बहुत सारी कुंडलियों में आप देखेंगे, थोड़ा समय उनका अच्छा चला, फिर खराब समय आया, तो हजारों करोड़ की कंपनी खड़ा करके भी वो जीरो पे आ जाते हैं। उसमें क्या है कि उनका कोई कुछ ग्रह अच्छा था, उसने ऊंचाई तो दे दिया, लेकिन राजयोग मजबूत हो तो कुछ भी हो जीवन में, जीवन का स्टैंडर्ड नहीं गिरने देता है। तो ये जो तीन ग्रह हैं तुला लगन के लिए, क्या हो जाते हैं? योग कारक। अब योग कारक का मतलब, योग मतलब जोड़, यानी कि युति होती है। ये ग्रहों के साथ, कुछ विशेष ग्रहों के साथ युति करेंगे तो राजयोग बनेगा। तो पहले इसी पे ही चर्चा कर लेते हैं तुला लगन के राजयोग के लिए। कुंडली में, हर कुंडली में एक ग्रह परम कारक होता है। इस कुंडली में परम कारक ग्रह कौन सा होगा? शनि होगा, क्योंकि शनि महाराज इस कुंडली में एक केंद्र के स्वामी हैं और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, तो शनि परम कारक हुए, परम कारक हो गया। और ये तीन हमारे कारक, जब भी आपके कारक ग्रह किसी भी लगन की बात हो, यहाँ उदाहरण हम तुला लगन की तो लेंगे ही लेंगे, कोई भी लगन हो जो हमारे कारक ग्रह हैं, जब वो किसी केंद्र के स्वामी के साथ, केंद्र के स्वामी के साथ, अब यहाँ केंद्र के स्वामी को हम लिख भी लेते हैं, केंद्र का स्वामी एक क्या हुआ? शुक्र हुआ। दूसरा केंद्र का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। तीसरा केंद्र का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। और अगले केंद्र का स्वामी कौन हुआ? चंद्र हुआ। ये हमारे केंद्र के स्वामी हैं। त्रिकोण भी लिख लेते हैं, यहाँ पर वापस शनि प्राप्त हुआ और यहाँ पर वापस हमें बुध प्राप्त हुआ। जो हमारे कारक ग्रह हैं, इतने आप ऐसे भर लीजिए, कोई भी कुंडली रहे, पहले तो आप कारक निकाल लीजिए तीन के तीनों, फिर उसके बाद केंद्र के जो जो स्वामी हैं उनको नोट कर लीजिए, और त्रिकोण के जो जो स्वामी हैं उनको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें ग्रह सारे मिल गए, हमारे कारक ग्रह कौन कौन से हैं इधर हमने लिख लिया। ये जो हमारे तीन कारक ग्रह आए हैं, ये कारक ग्रह जब इनमें से किसी के साथ बैठेंगे तो राजयोग बनेगा। अच्छा, किसी कुंडली में बुध, इसी कुंडली में मान लिया कि शनि जो परम योग कारक है वह बुध के साथ बैठ गया, यानी शनि और बुध की युति हो गई, अब राजयोग बन गया। तो ऐसा नहीं है कि शनि की दशा या बुध की दशा आने पर ही आपको यह राजयोग का फल मिलेगा, उसका सिस्टम अलग है, घटनाओं का समय निकालने का, उसको मैं जब दशाओं को देखना बताऊंगा तब मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अब मान लीजिए शनि और बुध की युति से राजयोग बना, तो कुछ जातक कहेंगे मेरी कुंडली में तो यह राजयोग बना, लेकिन बुध की दशा में तो मुझे कुछ नहीं मिला, बुध की दशा में मैं पीड़ित हो गया, कुछ को मिला भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि यह जो राजयोग है ये खुद की दशा में ही खुद को फल देगा। राजयोग और दुर्योग कुंडली में बन गया है तो वह आपको कभी भी फल दे सकता है, दशांतर दशा में ही नहीं देगा। वह कभी भी क्या होता है उसकी गणना हम नक्षत्रों के आधार पे करते हैं, वो दशा महादशा में मैं सिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिए, ये तीन ग्रह हो गए हमारे कारक, इनकी युति हो, किनके किनके साथ हो, अब इन तीन ग्रहों के अतिरिक्त जो ग्रह मिले हमको लिख लेना है। एक तो हमें चंद्र मिला है और एक हमें क्या मिला है? मंगल मिला हुआ है। अब यहाँ पे शनि जो है सबसे प्रबल कारक हुआ, बुध जो है यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है। अब इन दो, इन ग्रहों की युति इस प्रकार से बनानी है कि जो युति में मित्र ग्रह पड़ेंगे वो आपको राजयोग देंगे।
जैसे इसी कुंडली में लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध, ये दो ग्रह एक साथ बैठ गए तो अब परम राजयोग बन गया, क्योंकि ये दोनों तो ये क्या हो गए, हमारे कारक ग्रह हो गए। और इन कारक ग्रहों में एक ग्रह केंद्र का स्वामी है और एक किसका स्वामी है, त्रिकोण का। चूंकि शुक्र लग्नेश है इसलिए इसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा और इसे अष्टम का स्वामी नहीं मानना है, लग्न का ही फल ये देगा जब तक कि ये अष्टम भाव में ना बैठा हो। अब यहाँ पे शुक्र और बुध की युति परम राजयोग बनी, दूसरा शनि और बुध की युति परम राजयोग बनी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मित्र हैं। शनि और शुक्र की युति राजयोग बनी, लेकिन ये उतना अच्छा, ये जो है शनि और शुक्र की युति वाला राजयोग क्या करता है, सन्यासियों में राजा बनाता है। भगवान श्री राम भी राजा थे लेकिन उनका जीवन कितना सन्यासीवत था ये हम सभी जानते हैं। राज करते थे और राज्य का कार्य देखते थे लेकिन भोग विलास में नहीं डूबे हुए थे। तो शनि और शुक्र की युति से जो राजयोग बनता है यह भोग राजयोग नहीं बनता है, ये भोग राजयोग नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि वैराग्य है और शुक्र भोग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, व्यक्ति का व्यक्तित्व चरित्र और आत्मा निखार के शनि रख देगा। सन्यासियों में राजा मतलब ऐसा व्यक्ति अपने भौतिक उत्थान के लिए काम नहीं करेगा, जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बड़ा नाम कमाए, यश कमाए, जिनके पीछे लाखों की भीड़ रही, कोई भी जरूरत हुई दूसरों के द्वारा व्यवस्था की गई, उन्होंने स्वयं के लिए गाड़ी कभी नहीं खरीदा, स्वयं के लिए घर नहीं खरीदे। तो कुछ इस प्रकार का राजयोग शनि और शुक्र की युति से बनता है। अन्य दूसरे भी राजयोग होंगे, अच्छे योग होंगे, तो वहां पे व्यक्ति उन राजयोगों के माध्यम से हो सकता है घर गाड़ी बना ले, लेकिन शुक्र शनि की अगर किसी कुंडली में कारक बन के राजयोग बनता है तो उसको आप भौतिकतावाद में नहीं ले जा पाएंगे, वहां पर व्यक्ति समाज के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। अब इसी कुंडली में शनि जो हमें स्वामी मिला है, कारक ग्रह मिला, परम कारक, एक त्रिकोण का और एक केंद्र का, इसकी युति मंगल के साथ हो, तो अब इस राजयोग में बल नहीं है। इस राजयोग में बल है, इसमें बल है, इसका तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया। अब इस राजयोग में बल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो दो ग्रह राजयोग बना रहे हैं वो परस्पर मित्र नहीं है, यानी जो भी हमारे केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, जब वो संबंध बनाएं और वे दोनों मित्र भी हों, तब ऐसी स्थिति में वह उत्तम किस्म का राजयोग बनता है, अन्यथा वह सिर्फ राजयोग कह लीजिए या हल्का धन योग कह लीजिए। अब इसी में दूसरा उदाहरण ले लीजिए, बुध और मंगल का ले लीजिए, वह भी उतना सुंदर राजयोग नहीं बना पाएगा क्योंकि इन दोनों में भी सामंजस्य अच्छा नहीं है। वहीं शुक्र और मंगल की युति से जो राजयोग बनेगा वह शनि मंगल, मंगल बुध से तो बेहतर होगा लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ इस लगन में बुध अगर शुक्र के साथ जाए, बुध अगर शनि के साथ जाए, तब यह योग ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर मंगल शामिल हो रहा है, भले ही वह शनि के ही साथ क्यों ना हो, बुध के साथ ही क्यों ना हो, तो चूंकि मंगल धन भाव पे अधिकार रखता है और दशम से दशम भाव पे अधिकार रखता है, तो भी योग अच्छा ही बनेगा। मंगल और शनि की युति का जो अपना दुष्प्रभाव होता होगा वो तो मिलेगा व्यक्ति को द्वंद्व योग में, लेकिन भावेश के आधार पे भी भले ही मंगल शनि शत्रु हैं तो भी ये धन और कर्म के मामले में लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन उस स्तर का नहीं पहुंचाएंगे जिसे आप इसे उत्तम क्वालिटी का राजयोग माने। यानी जब भी हम केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों का संबंध देखते हैं तो हमें उसमें यह भी देखना होता है जी कि दो ग्रह जो संबंध बना रहे हैं वो अगर मित्र हैं, परम मित्र हैं, तब वह उसे आप विशुद्ध राजयोग समझिए। अगर वे मित्र नहीं हैं तो वो जो है खिली हुई कली नहीं है, वह खिलता हुआ छोटा सा भी फूल है, वह पूर्ण रूप से उज्ज्वल राजयोग नहीं मान के चलेंगे। तो राजयोग के बारे में इस लगन के लिए, तुला लगन के लिए ये बातें आपको समझ में आई होंगी, यानी तुला लगन का सबसे अच्छा राजयोग कौन बनाता है,
बुध बनाएगा जब वह शुक्र या शनि के साथ होगा। शनि और शुक्र भी राजयोग बनाएंगे, लेकिन ऐसे में व्यक्ति को भौतिक एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम करनी होती है। व्यक्ति भोग की तरफ भागता है तो उसे दुख की प्राप्ति हो जाती है, जबकि बुध के द्वारा बना हुआ राजयोग सब कुछ देने में सक्षम होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ धन योगों की भी चर्चा कर देता हूँ। राजयोग से छोटा योग होता है धन योग। इस कुंडली में धन भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। ध्यान से देखिएगा, तुला लगन की कुंडली में धन का स्वामी मंगल होता है, लाभ का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। तो जब धन भाव और लाभ भाव के स्वामी के साथ में जो हमारे तीन कारक ग्रह आते हैं, जब उनका संबंध बनता है तो वही धन योग होता है। अब इसमें भी कई कैटेगरी आ जाएगी। अब इस धन योग में मंगल और सूर्य के साथ हमारे तीन कारक ग्रह कौन से मिले थे? शुक्र मिला था, बुध मिला था और शनि मिला था। अब आप स्वयं बुद्धि विवेक लगा करके धन योग की प्रबलता को जान सकते हैं। अब इसमें मंगल हो या सूर्य हो, जब इसके साथ शुक्र जाएगा इन दोनों के साथ, तो भी दे देगा, पर्याप्त अच्छा देगा, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी इनमें से किसी की एक दूसरे से नहीं है। सबसे अच्छी स्थिति बनेगी जब बुध सूर्य के साथ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में शत्रुता नहीं है और ये इन दोनों के मिलने से बुधादित्य योग भी, यानी एक साथ दो दो योग बन जाते हैं। तो बुध अगर सूर्य के साथ हो तुला लग्न की कुंडली में तो प्रबल धन योग बनेगा। बुध अगर मंगल के साथ हो तो बुध और मंगल की युति का एक दुष्प्रभाव होता है। मंगल क्या है? मंगल उतावलापन है, बुध बुद्धि है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि में उतावलापन, जल्दबाजी या कुछ दिमाग से संबंधित गतिविधियों में कमी रहती है, लेकिन धन का योग बन रहा है तो ये धन योग का फल अलग मिलेगा। बुध और मंगल की युति का फल अलग मिलेगा, शुक्र और मंगल की युति का फल अलग मिलेगा, और शुक्र और मंगल चूंकि भाव अनुसार जो योग बन रहा है वह धन योग का फल अलग मिलेगा। यानी मंगल और सूर्य, अगर सूर्य शुक्र के साथ और बुध के साथ हैं तो धन योग बना, वहीं अगर शनि योग करेगा मंगल के साथ और सूर्य के साथ तो धन योग इसमें भी बनेगा, लेकिन यह धन योग जो है उच्च किस्म का नहीं बनेगा, क्योंकि शनि मंगल से भी प्रबल शत्रुता रखता है और सूर्य से भी प्रबल शत्रुता रखता है। इतनी शत्रुता शुक्र और बुध की सूर्य और मंगल के साथ में नहीं है। यानी अब इसे आप धन योग की कैटेगरी से हटा ही दीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अब तकलीफें ज़्यादा बढ़ेंगी जब शनि मंगल का योग होगा। तो उम्मीद है धन योग का भी मैटर आपको समझ में आ गया होगा, यानी तुला लग्न में बुधादित्य योग। अच्छा, ये जो अच्छे योग बन रहे हैं, चाहे केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति हो, चाहे धन या लाभ भाव के स्वामी की युति त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, ये सब अगर केंद्र स्थान में बने या त्रिकोण में बने तो अति उत्तम है। केंद्र में बनेगा तो पूरा फल देगा, त्रिकोण में बनेगा तो पूरा फल देगा, धन भाव में या लाभ भाव में बनेगा तो 70% तक देगा, और अन्य भावों में जब ये योग बनते हैं तब उसके प्रभाव 50 से 60% तक घट जाते हैं। जैसे यहीं पर बुध बैठा हुआ है, यहीं पर शुक्र बैठा है, अब ये जितना अच्छा राजयोग है उतना अच्छा राजयोग यहाँ पर बैठे होने से, अष्टम में मान लीजिए, द्वादश में मान लीजिए, यहाँ पर शुक्र और बुध बैठा है, तब अब उतना अच्छा राजयोग ये नहीं बन रहा है जितना यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे युति भी अच्छी है, भाव भी अच्छा है, राशि भी अच्छी है। अब यहाँ पे भाव तो बुरा हुआ, यहाँ पे बुध नीच का भी हुआ, छठे भाव में है, शुक्र उच्च का, फिर वापस घुमा के नीच भंग, उतना अच्छा यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि केंद्र या त्रिकोण में बना हुआ राजयोग ज्यादा अच्छा है। अब एक दूसरा धन योग देख लीजिए। किसी भी कुंडली में कोई भी लगन हो, यहाँ पर तो तुला लगन लिया है मैंने, कोई भी कुंडली हो, अगर धन भाव और लाभ भाव के स्वामियों का संबंध हो, संबंध मतलब दोनों ग्रह एक साथ हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे पर दृष्टि डालें, धन भाव का स्वामी मंगल इस कुंडली में, लाभ भाव का स्वामी सूर्य, अगर तुला लगन में मंगल और सूर्य भी एक साथ होंगे
कोई भी लगन हो, धन और लाभ का स्वामी अगर एक साथ है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो पूर्ण रूप से धन योग बन जाएगा, धन योग पूर्ण प्रभाव देगा। 6, 8, 12 में बनने पर यह धन योग 40% प्रभाव देगा। तृतीय भाव में बनने पर यह धन योग 70% प्रभावी हो जाएगा। राशियां भी निर्भर करती हैं कि उसमें से ग्रह शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, कैसा है। अब मान लीजिए कि सूर्य और मंगल की युति इस कुंडली में हुई, अब और सूर्य और मंगल यहाँ पर हैं। ध्यान से देखिएगा, विषय वस्तु को समझिए, बहुत गुणागणित निकालना पड़ गुणागणित क्या है, निष्कर्ष निकालना पड़ता है। हर राशि और भाव, हर स्टेप पे चीजों में परिवर्तन आता है। इसी तुला लगन में मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सूर्य लाभ भाव का स्वामी हो करके बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। यहाँ पर मंगल उच्च का है और सूर्य जो है शत्रु राशि का माना जाएगा। तो मंगल तो अच्छा हुआ, मंगल इसका बल यानी ज़्यादा लग रहा, मंगल जिस भाव का स्वामी है, लेकिन सूर्य चूंकि शत्रु राशि का है तो इस भाव का बल कम लग पा रहा है। अब यही राजयोग यहाँ पर बना, मंगल और सूर्य यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे मंगल स्वाग्रही हो गया, सूर्य उच्च का हो गया, दोनों का बल अच्छा लग रहा है। तो इसी एक ही लगन में वही दोनों भाव के स्वामी जो धन योग बना रहे हैं, अलग अलग भावों में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं आप देख सकते हैं। मंगल यहाँ पे आ गया, सूर्य यहाँ पे आ गया, अभी भी धन योग है, लेकिन इसमें जितना धन है उससे कम यहाँ पर है। अब यहाँ पर और कम है क्योंकि यहाँ पे अब सूर्य जो है ये नीच का हो गया है। वही मंगल और सूर्य यहाँ पर आ गया तो मित्र राशि में हो गए हैं, भाव भी अच्छा मिल गया, अब यहाँ पर अच्छा हो गया। वही मंगल सूर्य यहाँ पर आ गए, अब इस धन योग का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही शत्रु राशि में, एक तरीके से मंगल तो शत्रु राशि में हुआ, सूर्य जो है यहाँ पे एक तो नीचाभिलाषी होने की तरफ अग्रसर है, 12वां भाव है, यानी कंफर्ट जोन में बिल्कुल दोनों ग्रह नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे यह धन योग देखने के लिए है, हाथी के दांत देखने के और खाने के अलग अलग होते हैं। ऐसे ही आप जानिए, बहुत सारी कुंडलियों में दिखाने वाला हाथी का दांत बन जाएगा कि हाँ यह धन योग राजयोग है, लेकिन खाने वाला दांत बने उसमें हमें देखना पड़ेगा कि राजयोग किस भाव में बना है, किस राशि में बन रहा है। तो ये राजयोग और धनयोग समझ में आया होगा, और सिर्फ आप एक वीडियो से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते मेरी कुंडली में यह दोष बन गया है, यह योग बन गया, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा नहीं आया। उसमें देखना पड़ेगा ना किस राशि किस भाव में बना है, सिर्फ योग से नहीं मतलब है। अब मारक का निर्धारण करते हैं, तुला लगन की कुंडली में मारक ग्रह कौन सा होगा, हमें कौन कौन से भाव लेने हैं, मैंने आपको रटा दिया है, आपको रटा होना चाहिए। नहीं ज्योतिष जानते हैं, नहीं ज्योतिषी हैं, प्रोफेशनल नहीं है, तब भी आना चाहिए। आप बार बार देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें रखिए ना, संगति का असर होना चाहिए ना। दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, ग्यारहवें भाव और बारहवें भाव में से दो भावों का जो स्वामी होगा वो क्या बनेगा, मारक बनेगा। इसमें लग्नेश को हमें छोड़ देना होता है, क्योंकि लग्नेश को अष्टमेश का दर्जा नहीं देंगे जब तक वह अष्टम भाव में ना बैठे तब तक। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे भाव का स्वामी कौन है, मंगल है। तीसरे भाव का स्वामी कौन है, गुरु है। छठे भाव का स्वामी कौन है, गुरु है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है, मंगल है। अष्टम भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। और एकादश भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है। द्वादश भाव का स्वामी कौन है, बुध है। इन भावों को ऐसे लिखिए किसी कुंडली में, देख लीजिए, और इनमें से जो भी ग्रह दो बार आया हो, दो बार रिपीट हुआ हो, वह ग्रह मारक है। मारक ग्रह आपके मृत्यु में भूमिका अवश्य निभाएगा। जब भी आपकी आयु पूरी हो, 80 साल 85 साल जब भी पूरी होगी, तो मारक ग्रह की भूमिका दशा अंतर दशा या गोचर में रहती ही है। माँ आपके मृत्यु का निर्धारण वही करेगा, किसी के माध्यम से मृत्यु लाएगा, किसी दूसरे ग्रह के माध्यम से या स्वयं,
लेकिन मृत्यु में और शारीरिक कष्ट में इनकी भूमिकाएं होती हैं। तो तुला लगन के लिए एक हमारा मारक प्रबल मारक मंगल बना, दूसरा कौन बना? गुरु। तुला लगन के लिए ये दो ग्रह मारक होते हैं। अब विषय को समझिए, यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। मैंने ये मारक बता दिया, अब कुछ लोग इतना ही समझे फिर उसके बाद बोले कि देखे मंगल की दशा तो मेरी बहुत अच्छी गई, मारक था मेरा। मारक मतलब ये थोड़े को दशा बिगाड़ देगा, जीवन बिगाड़ देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, धन नहीं देगा, काम धंधा छीन लेगा। मारक मतलब शरीर को, मन को, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कष्ट देना है। मारक आपको कष्ट देगा। कैसे कैसे देगा मैं फिर से लिखता हूँ। मारक जो है हमारे, हमको शारीरिक कष्ट देगा, नोट कर लीजिए। कभी भी मार्केश का फलादेश करिए तो ऐसे वो अनुमान लगाइएगा। अभी कैसे लगाना मैं बता रहा हूँ। शारीरिक, मानसिक, मानसिक मतलब मेंटल पेन, डिप्रेशन, और सामाजिक, और इसके साथ साथ क्या कष्ट देगा? आर्थिक। ये तीन कष्ट, ये प्रदान, चार कष्ट प्रदान करेगा मारकेश आपको। अगर जो भी ग्रह आपका मारक आया है, अगर वह कुंडली में वीक है, पीड़ित है, जैसे इसी कुंडली में मंगल को ले लीजिए, बृहस्पति को ले लीजिए, बृहस्पति महाराज यहाँ होके बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बृहस्पति नीच का होके बैठा हुआ है, इसी के साथ में राहु भी आ गया, और भी कुछ अशुभ प्रभाव हो गए, अस्त भी हो जाए या कुछ भी, जितना ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा मारक ग्रह पर अपनी दशा अंतर दशा में, या मैं सूत्र एक और बता दे रहा हूँ जो विशेष रूप से दशाओं में देखने में प्रयोग होता है, वह ग्रह जो गुरु के नक्षत्र में बैठा होगा, वह ग्रह जो मार्केश के नक्षत्र में बैठा होगा, वो आपको तकलीफ देगा। तो जब भी, अब गुरु पीड़ित है तो अब गुरु का मारकत्व ज़्यादा प्रबल है। इसी कुंडली में मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है, नवम भाव में गुरु यहाँ, गुरु पीड़ित नहीं है ना, मंगल मारकेश यानी कि अगर पीड़ित होता है तो ज़्यादा तकलीफ देगा। कारण समझो, मारकेश है, उसका काम क्या है? पहले तो उसको आपको शारीरिक कष्ट देना है। हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ शारीरिक लगी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दशा अंतर दशा गोचर में मारक चलता ही रहता है अशुभ तरीके से। मारक का काम शारीरिक परेशानी देना। लेकिन जब मारक मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, बुरे प्रभाव में आ जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, तो वो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कष्ट भी देने लगेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। मार्केश आपको शारीरिक कष्ट दिया, कुछ दो चार दस दिन दिया, फिर आप स्वस्थ हो गए, काम करने लगे, यानी आपका मार्केश जो है कुंडली में अच्छा है। अब इसी कुंडली में हमको गुरु मार्केश मिला है और गुरु नीच राशि में है, तो ध्यान से समझिए, गुरु नीच का हुआ तो गुरु के कुछ अपने कारकत्व हैं, गुरु से कुछ चीज़ों का विचार होता है, यानी गुरु का कारकत्व पीड़ित हो गया। गुरु के पीड़ित होने से गुरु का क्या पीड़ित हो जाएगा? कारकत्व पीड़ित हो जाएगा। दूसरा, गुरु जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों का फल पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा और छठा भाव का फल भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि भाव का स्वामी मजबूत होता है जब, तो उस भाव को कुंडली में गोचर के दौरान, दशा के दौरान अशुभता झेलने की ताकत आती है। जिस भवन में हम हैं अगर वो मजबूत है, स्वामी मजबूत है, तो विषम परिस्थितियों में आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भाव का स्वामी कमजोर हुआ, कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर हम मारक के संदर्भ में ले रहे हैं, कोई भी ग्रह होगा पीड़ित होगा तो उसके कारकत्व में कमी आएगी। जिस भाव का स्वामी है उन भावों के फलों में कमी आएगी, और जिस भाव में बैठा है, यानी जिस भाव में वो बैठा है, उस भाव में नीच का है, उसके फल में भी तो बिगाड़ देगा। बृहस्पति यहाँ का स्वामी है, ये बिगड़ा, यहाँ बैठा है पीड़ित होकर के, इसको बिगाड़ा, मार्केश है तो बुरा पद इसको प्राप्त ही है। तो अब क्या करेगा? जब बृहस्पति पीड़ित हुआ, वैसे जब पीड़ित ना होता सिर्फ मारक था यानी शरीर को कष्ट देता, अब बृहस्पति जो कि मारकेश है और पीड़ित हुआ है, उसका कारकत्व तो बिगड़ गया, तीन छह भाव का फल बिगड़ गया,
जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल बिगड़ा, ऊपर से मारक का फल अब वह प्रबल रूप से देने लगेगा। इस मारक का फल बृहस्पति के कारकत्व में भी नजर आएगा, इन भावों में भी नजर आएगा, जिस भाव में बैठा है उसमें भी नजर आएगा। लेकिन अब यही बृहस्पति अगर बलवान हो गया तो अब देखिए, अब बृहस्पति जिन चीजों का कारक है वो तो दुरुस्त हो गया ना, क्योंकि कारक ग्रह बलवान है, जिस चीज का कारकत्व वाला हट गया। अब जिन भावों का स्वामी है उन वो भाव भी जो है कंफर्ट जोन में आ गए, ये भी स्वस्थ हो गया। जिस भाव में बैठा है अब उच्च का है, प्रतापी है, तो भाव में भी प्रताप लाएगा, सब हट गया। सिर्फ क्या बचा, मारकत्व बचा, यानी शारीरिक कष्ट उस समय में कुछ अवरोध और परेशानी देगा लेकिन पतन नहीं करेगा। लेकिन वही आपका मारक ग्रह अगर पीड़ित होता चला गया तो उस मारक ग्रह से संबंधित भाव, जिन दो भावों का स्वामी होगा या जिस भाव का स्वामी होगा, जिस भाव में बैठा होगा, साथ ही साथ वह जिन चीजों का कारक होगा वो सब बिगड़ गए। तो इसलिए भले ही कोई ग्रह मारक हो, उसका कमजोर होना ज्यादा तकलीफ ला सकता है लाइफ में, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब एक दूसरी चीज और समझ लीजिए, अगर कुंडली में कोई अच्छा या बुरा योग ही बना, कारक ग्रह कहीं बैठा, मारक ग्रह कहीं बैठा, जैसे इसी कुंडली में आप ले लीजिए चतुर्थ भाव में राजयोग बन गया, शनि की राशि में बुध और शुक्र एक साथ यहीं पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा, बुध बैठा और शुक्र बैठा। अब ये राजयोग बना, अच्छा राजयोग बना, दो कारक ग्रह, एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठा है, मित्र की राशि में है, राजयोग बना। लेकिन अब यही शनि नीच का हो गया, यही शनि 6, 8, 12 में चला गया, तो अब इस अच्छे योग के फल में कमी आएगी, क्योंकि ये दोनों बैठे जिस घर में हैं वो घर मजबूत नहीं है, घर का स्वामी मजबूत नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री मजबूत है तो देश को एक कंफर्ट मिलता है, मन में सुकून आता है। आपके घर का मुखिया मजबूत है, भले वह घर पे ना हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर वो मजबूत है, हाव से, भाव से, विचार से, आत्मविश्वास से, धन से, अगर वह मजबूत है हर मामले में, तो घर की परेशानियों को संभालेगा। वही स्थिति होती है जब भाव का स्वामी नीच का हो, भाव का स्वामी खुद पीड़ित होगा, तो अगर अच्छा योग बना है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और अगर बुरा योग बना है तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि बुरे का काम क्या है, जैसे यहीं पर कोई बुरा योग बना, चांडाल दोष बना, राहु गुरु बैठे हैं, अब इस चांडाल दोष का प्रभाव और बढ़ेगा, क्योंकि भाव कमजोर है, तो कमजोर होने पर, और ये चीजें क्या हैं, कमजोर करने वाली ही हैं, अशुभ हैं। भाव कमजोर हुआ तो अशुभता बढ़ जाएगी, जैसे कुर्सी अगर कमजोर है तो बैठने वाला डामाडोल स्थिति में रहेगा, जैसे मुझे कुछ तोड़ना है कुर्सी, मुझे आपके घर में कुछ तोड़फोड़ करनी है, तो अगर आप कमजोर हैं, भाव का स्वामी कमजोर है, तो मेरे लिए एडवांटेज हो जाता है ना उस घर में तोड़फोड़ मचाने की, तो ये तोड़फोड़ वाला ही योग है, मतलब ये खराब योग है, कुल मिलाकर के बुरा प्रभाव देना चाह रहा है, और देख रहा है कि भाव का मालिक कमजोर है, तब तो चलो निश्चिंत होके बुरा प्रभाव देते हैं। यानी भाव का भाव के स्वामी के मजबूत होने से बुरा प्रभाव जो होगा वो भी कम हो जाएगा, और अच्छा प्रभाव अगर कोई भाव में राजयोग बन रहा तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। भाव के कमजोर होने से, भाव के स्वामी के कमजोर होने से बुरे प्रभाव का बढ़ जाएगा योग, और अच्छे प्रभाव का योग कम हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। तुला लगन की कुंडली में एक राजयोग और बहुत अच्छा बनेगा, बुध और चंद्रमा की युति से जो ऊपर छूट गई है, अभी मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर बुध क्या है, नवम भाव का स्वामी है, और चंद्रमा कर्म भाव का। नवम भाव और दशम भाव के स्वामियों का योग होना बहुत प्रबल राजयोग बनता है, तो इस कुंडली में चंद्रमा और बुध, तुला लगन की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति से भी राजयोग बनता है। निर्भर वही करेगा कि कितने मजबूत भाव में बन रहा है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हो, बुध अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो, मित्र राशि में हो, इनमें से कोई एक नीच का ना हो, तो इस योग का प्रभाव बढ़ जाता है। याद कर लीजिए, अगर नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में या दशम भाव में ही बैठे हो साथ में,
या एक दूसरे की राशि में बैठे हों, यानी एक नवम में पड़ेगा, बुध यहाँ पड़ गया, चंद्रमा यहाँ पड़ गया, या बुध चंद्रमा यहाँ है, बुध चंद्रमा यहाँ है, नवम और दशम भाव के स्वामियों का संबंध नवम और दशम भाव में ही बन जाए, तो ऐसा जो राजयोग होता है बहुत उच्च श्रेणी का होता है। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ जगह मेहनत अधिक है, भाग्य का साथ कम है, कहीं भाग्य अधिक है, मेहनत कम है, लेकिन जब भाग्य और कर्म दोनों मिल गए हैं तब पूछना ही क्या है, यहाँ पे ऐसा राजयोग बनता हुआ नजर आता है। तुला लगन के लोगों के लिए मंगल का स्टोन नहीं पहनना है, गुरु का स्टोन नहीं पहनना है। तुला लगन के लोग शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं, शनि का स्टोन पहन सकते हैं, बुध का स्टोन पहन सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार चंद्रमा का स्टोन भी पहना जा सकता है। कर्म भाव में अगर कोई गड़बड़ी होगी, वीकनेस दिखेगा और चंद्रमा पीड़ित होगा, उसे बल देने की ज़रूरत होगी, तो मोती भी पहन सकते हैं। इस लगन वाले जातक जब भी इनको कोई शारीरिक दिक्कत आए तो गुरु के वस्तु का और मंगल के वस्तु का दान कर देने से, क्योंकि ये मारक है, कहीं ना कहीं इनकी शारीरिक कष्ट में भूमिका होती ही होती है। उस समय चाहे जो दशा चल रही हो, चाहे जो गोचर चल रहा हो, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो मारक ग्रह की वस्तु का दान करा देने से व्यक्ति को दवा वगैरह बड़ी तेजी से सूट करती है। तो तुला लगन में जब भी कोई शारीरिक कष्ट बने तो ऐसे लोगों को बुध, ऐसे लोगों को मंगल और गुरु के वस्तुओं का दान करा दीजिए। देखिए आजकल तमाम प्रकार के उपाय हैं, लेकिन आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, महाभारत उठा के पढ़ो, रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, कोई भी, जो हमारे शास्त्रीय उपाय हैं वो जप और दान ही हैं, और स्त्रोत्र चालीसा इन सब का पाठ है, ना कि मूली आप सिर के नीचे रख के सो जाइए, ऐसा किसी भी शास्त्र में, ये शास्त्रीय उपाय नहीं है। और शास्त्र गैर शास्त्रीय उपाय करना भी बड़ा श्रम साध्य होता है। कोई कह दे 43 दिन लगातार मूली रख के सिर के नीचे सोना है, अटपटा सा लगता। आज के समय में ये उपाय जो है आउट ऑफ डेट होते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ये और आउट ऑफ डेट हो जाएंगे कि चले जाओ 5 नदी में 5 सिक्का बहा के आओ। आने वाली पीढ़ियों को जब आप बता देंगे कि जाओ जमीन के नीचे ये चीज़ दबा के चले आओ, तो उनको लगेगा कि ये वेस्टेज हो रहा है। तो शास्त्रीय उपाय जप है हमारा, दान है, और आधुनिक ज्योतिष में रत्न को शामिल किया गया। रत्न जो है ये टॉनिक की तरह काम करते हैं, इनका प्रभाव भी है। रुद्राक्ष पहन के ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव रोका जा सकता है। तो खराब ग्रहों के लिए दान करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो तुला लगन के लिए ये जानकारी थी। तुला लगन में कुछ और चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। देखिए तुला लगन में शनि की सबसे खराब स्थिति होगी कहाँ पर, सप्तम भाव में। शुक्र की सबसे खराब स्थिति कहाँ पर होगी, शुक्र 12वें भाव में खराब हो जाएगा। एक तो 12वां भाव भी मिलेगा और राशि भी नीच की मिलेगी। इसी प्रकार से बुध भी नीच राशि में आता है तो उसकी स्थिति भी बिगड़ जाती है, क्योंकि एक तो भाव भी खराब मिला और राशि भी खराब मिली हुई है। तो ये तीनों कारक ग्रह ऐसे एक सीध में यहाँ पर बुरे योग बनाते हैं, बुध शनि और शुक्र। ये एक सीध में अगर ये तीन कारक ग्रह नीच के होते हैं तो तीनों गड़बड़ स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मंगल बिगड़ता है तो वो कर्म भाव में जाता है, नीच का होता है। तुला लगन के अगर मंगल दशम भाव में होता है तो वो कामकाज में रुकावट देता है, काम बंद करवाता है। हालांकि व्यक्ति काम करेगा जीवन भर, लेकिन वो तरक्की नहीं पाता, तो मंगल के वस्तुओं का दान और जप करके तरक्की की तरफ ये अग्रसर हो सकते हैं। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। योग और दोष आदि के बारे में तो आपको पहले से वीडियोस मिले हुए हैं, सब मिलाइए, तुलना करिए और फाइनल रिजल्ट आउटपुट निकालने का प्रयास करिए।